हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं मोहित कुमार एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको सेफ साफ न्यू टारगेट के बारे में कुछ इंस्ट्रक्शन देने वाला हूं, जिनको आपको जानना बहुत ज़रूरी है। जो लोग सेफ साफ कंपनी में काम कर रहे हैं, उनको सेफ साफ टारगेट का इंस्ट्रक्शन जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए, हम आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। जो लोग सेफ साफ अर्जुन अवार्ड जीतेंगे, उनका एक अलग से आप उनका उसका विवरण देख सकते हैं अपनी आईडी के अंदर। मतलब कहने का कि जो लोग सेफ साफ अर्जुन अवार्ड जीतेंगे, वो लोग अपना एक अलग आईडी में उस अवार्ड का विवरण देखेंगे। सेफ साफ का जो नया टारगेट निकला हुआ है, वो 1 फरवरी से लेकर 31 मई 2023 तक ही अवेलेबल है। और यह टारगेट केवल प्रोडक्ट के सेल्स पे ही आपको कंप्लीट करने हैं। जितना आप सेफ साफ कंपनी का प्रोडक्ट सेल करेंगे, उसके हिसाब से ही आपके जो कंपनी का जो टारगेट है वो आपका कंप्लीट होगा। जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि आप जब सेफ साफ कंपनी में जुड़े होंगे, तो आपकी आईडी जो बनी होगी उसमें 3 ग्रुप दिए होंगे, ब्लू ग्रुप, अम्बर ग्रुप, पर्पल ग्रुप। जो भी लेवल आपका सेफ साफ कंपनी में है, उस लेवल में आपको अपने ग्रुप के हिसाब से अपना बीवी देखना है कि कितने मिनिमम बीवी का आपको प्रोडक्ट सेल करना है हर एक ग्रुप में। जैसा कि मैं कुछ एग्जाम्पल दे दूँ, जैसे अगर आप फ्रेशर हैं, तो फ्रेशर व्यक्ति के लिए हर एक ग्रुप में 5 बिजनेस वॉल्यूम का प्रोडक्ट सेल करना अनिवार्य है, तभी जाके आप टारगेट क्वालिफायर के लिस्ट में आएंगे, अन्यथा आप टारगेट क्वालिफाई के लिस्ट में नहीं आ सकते हैं। देखिए, सेफ साफ कंपनी में जो टारगेट चला है, वो विदेश घूमने का भी टारगेट निकला हुआ है। तो सेफ साफ कंपनी क्या करती है कि सेफ साफ कंपनी आपको विदेश जाने का मौका तो देती है, लेकिन सेफ साफ कंपनी आपको अपने पैसे से वीज़ा बना के देगी। लेकिन वीज़ा तो सेफ साफ कंपनी दे देंगी, लेकिन जो कुछ डॉक्यूमेंट्स होंगे, जैसे आपका आधार कार्ड हो सकता है, पैन कार्ड हो सकता है, कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट जो सिर्फ आपको देने पड़ेंगे। जो सेफ साफ कंपनी का टारगेट जीतेगा, जो सेफ साफ कंपनी का टारगेट क्वालिफाई करेगा, उसको वो डॉक्यूमेंट सेफ साफ कंपनी को प्रोवाइड करना होगा। क्यों? क्योंकि अगर आप सिर्फ वीज़ा से ही आप विदेश नहीं घूम पाएंगे, क्योंकि आपका जो आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, जो कुछ भी डॉक्यूमेंट्स सेफ साफ कंपनी मांगेगी, उसको आपको वहाँ पे देना बहुत ही ज़रूरी है, तभी आप देश विदेश की यात्राएं कर सकते हैं। जैसा कि मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं दोस्त, क्या होता है कि वीज़ा बनने में थोड़ा बहुत आपकी पढ़ाई भी, क्वालिफिकेशन भी मांगती है, मतलब वीज़ा बनने में आपका एजुकेशन भी मांगता है। तो जो लोग थोड़ा कम पढ़े लिखे हैं या जो लोग इलिटरेट हैं, उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है वीज़ा बनवाने के लिए। अगर आप कम पढ़े लिखे हैं, सेफ साफ कंपनी में आप काम करते हैं, और आप अगर आप सेफ साफ कंपनी का टारगेट जीत जाते हैं, विदेश की यात्रा का टारगेट जीत जाते हैं, तो क्या करना है, आपको सेफ साफ कंपनी की तरफ से वीज़ा नहीं मिल सकता है, क्योंकि आपकी पढ़ाई जो है वो कम हुई रहती है या आप कम पढ़े लिखे रहते हैं। तो इस कंडीशन में आप सेफ साफ कंपनी में एक अप्लीकेशन दे के अपना जो सेफ साफ कंपनी का जो भी आप टारगेट जीते हैं, उसके बदले आप सेफ साफ कंपनी से कुछ कैश या कुछ भी मिलेगा, आप उसको रख सकते हैं या सेफ साफ कंपनी आपको दे देगी। तो ये इंस्ट्रक्शन बहुत ही खासकर उन लोगों के लिए है जो लोग कम पढ़े लिखे हैं। देखिए दोस्त, जो भी सेफ साफ कंपनी का टारगेट जीतेगा, चाहे घूमने का, चाहे किसी भी चीज़ का, जो भी टारगेट चल रहा है उसका अगर टारगेट जीतेगा, तो उसको जो भी अपना डॉक्यूमेंट सबमिट करना है, वो 1 जुलाई 2023 से पहले वो सेफ साफ कंपनी में कर देगा। क्योंकि अगर सेफ साफ कंपनी में अगर आप 1 जुलाई 2023 से पहले अगर आप डॉक्यूमेंट नहीं सबमिट करते हैं, तो शायद आपकी जो ट्रिप है या आपका जो टारगेट है वो कैंसिल हो सकता है, आप घूमने जाने में असमर्थ हो सकते हैं। तो आप कोशिश करिए कि आप 1 जुलाई 2023 के अंदर अपना सारा डॉक्यूमेंट सेफ साफ कंपनी के अंदर सबमिट कर दीजिए। देखिए दोस्त, अगर आप सेफ साफ कंपनी का विदेश का टारगेट या कोई भी टारगेट जीत गए हैं, तो अगर आप एक बार सेफ साफ कंपनी में अगर आप कंफर्मेशन दे दिए कि सर मुझे जाना है या मुझे घूमने के लिए विदेश जाना है, तो आप अगर उसमें अपना सारा डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिए, तो आप उसको कैंसिल नहीं करा सकते हैं। अगर आप कैंसिल कराते हैं, तो शायद आपका बहुत भारी नुकसान हो सकता है। तो आप सोच समझ के सेफ साफ कंपनी का अगर टारगेट जीतते हैं, तो आप सोच समझ के सेफ साफ कंपनी में सारा डॉक्यूमेंट सबमिट करिए, अन्यथा आपको अगर विदेश की यात्रा नहीं करनी है, सेफ साफ टारगेट को जो अचीव किए हैं, अगर आप उसका लाभ नहीं उठाना चाहते हैं, तो आप सेफ साफ कंपनी में साफ मना कर दीजिएगा कि नहीं सर, मैं घूमने में असमर्थ हूँ या मैं विदेश जाने में असमर्थ हूँ, इसके लिए मुझे माफ़ करिएगा। तो अगला इंस्ट्रक्शन ये है,
दोस्त बहुत सारे लोग टारगेट तो जीत जाते हैं लेकिन उनका जाने का मन नहीं रहता है या वो किसी कारणवश नहीं जा सकते हैं, तो उनको सेफ साफ कंपनी कुछ फैसिलिटी भी देती है, उनको कुछ पैसे भी देती है। तो चलिए इसके बारे में हम थोड़ा जानकारी ले लेते हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो लोग यूरोप का टारगेट जीतेंगे, सेफ साफ कंपनी यूरोप का टारगेट चलाती है, अगर आप यूरोप का टारगेट जीतते हैं और अगर आप यूरोप नहीं जाना चाहते हैं तो आप सेफ साफ कंपनी से 1 लाख रुपये कैश ले सकते हैं। मतलब सेफ साफ कंपनी आपको 1 लाख रुपया कैश देगी। अगर आप जाना चाहते हैं तो आप बेझिझक यूरोप जाइए, अगर आप नहीं जाना चाहते हैं तो आप सेफ साफ कंपनी से 1 लाख रुपये कैश ले सकते हैं। अगर आप अबू धाबी या दुबई का टारगेट जीतते हैं, अगर आप नहीं जाना चाहते हैं, सेफ साफ कंपनी आपको पूरा 40,000 रुपये कैश के रूप में देगी। अगर आप थाईलैंड का टूर जीतते हैं तो सेफ साफ कंपनी से आप या तो सैमसंग गैलेक्सी टैब A7 ले सकते हैं या तो 20,000 रुपये कैश नगद सेफ साफ कंपनी से ले सकते हैं। ये फैसिलिटी सेफ साफ कंपनी में अवेलेबल है। अगर आप गोवा का टारगेट जीतते हैं तो आप अपने कपल के साथ 3 डे 3 नाइट स्टे कर सकते हैं, वहाँ पे आप आराम से अपना एंजॉयमेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप गोवा नहीं जाना चाहते हैं तो आप सेफ साफ कंपनी से पूरा 6,000 रुपये कैश ले सकते हैं। तो दोस्त आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सेफ साफ कंपनी के टारगेट के इंस्ट्रक्शन को समझ गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ गई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।